हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो साइट ओपन हुई अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट जो ओपन हो चुकी है, और इसी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहती है, एंड सो इसीलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम अब रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड जो 21-22 बैच के हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। तो आज हम ये जो डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो आप लोगों को बता देते हैं कि जो आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो 21-22 बैच एंड 22-23 बैच दोनों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 21-22 बैच एंड 22-23 बैच का जो एग्ज़ाम हुए तो वो साथ साथ में हुए थे। मतलब कि 21-22 बैच का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड बैक आई थी, जो स्टूडेंट की सप्ली आई हुई थी, तो उनका एग्ज़ाम जो था वो 22-23 स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही हुआ था। तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली का एग्ज़ाम नहीं, मतलब सप्ली का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, और वो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो वो स्टूडेंट के सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुके हैं। बहुत जल्दी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट आने वाली है, तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हम आप लोगों को रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो मुझे अपने कॉलेज के थ्रू से मिली है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाने की सोचा, क्योंकि अगर ऐसे ही वीडियो बनाते तो आप लोग यही सोचेंगे कि जब एग्जैक्ट डेट आ जाए तभी बतानी चाहिए। तो इसीलिए जब मुझे कुछ ना कुछ एग्जैक्ट डेट मालूम हुई तभी मैं बताने आई हूँ, एंड ये कॉलेज के थ्रू जिसे रिजल्ट जो है वो कब आएगा तो मैंने टीचर्स के थ्रू पूछा है, तो वो बता रहे हैं। जैसे कि आज जो डेट है वो है 20 सितंबर, तो 20 सितंबर आज आप लोगों की डेट है, और जो रिजल्ट है उन्होंने तो सिर्फ बताया है कि 1 और 2 दिन में रिजल्ट आप लोगों का आ ही जाएगा, 1 या 2 दिन यानी 22 तारीख तक, 22 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बिकॉज 2 तारीख पर 2 दिन अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं भी आता है तो आप लोगों का 25 सितंबर तक रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अगर मतलब 25 सितंबर तो एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ, क्योंकि जब टीचर्स ने 2 दिन का बोला है तो 25 सितंबर तो रख ही लीजिए। अगर 25 सितंबर तक भी नहीं आता है तो लास्ट सितंबर तक तो आ ही जाएगा। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि रिजल्ट डिले होने की वजह क्या थी। रिजल्ट डिले इसलिए हुआ है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर कॉलेज रेगुलर जाते होंगे तो देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम लगे, तो सेकेंड सेमेस्टर के भी सप्ली के एग्जाम हुए हैं, 15 तारीख को ही फिनिश हुए, और इसके पहले जेएनएम के एग्जाम थे, इसी वजह से आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा था। अब जो रिजल्ट आएगा वो सबका आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जितने भी रिजल्ट आने वाले तो सब लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, और आप लोग अब जितना भी वेट करें तो आप लोगों का वेट जो है वो फिनिश होने वाला है, एंड देखते हैं आप लोगों का रिजल्ट कैसा आता है। और 1 या 2 दिन में आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड एक और आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई थी कि जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के उनके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल हो चुके हैं, तो आप लोगों का हम न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया करूँगी, तो आप लोग रेगुलर इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।